हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे इस चैनल इजी सरकारी एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म 2022। फ्रेंड्स, आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, कुछ नई चीज़ें जो इसमें दी गई हैं। फ्रेंड्स, अप्लीकेशन जो बिगिन हुआ है 9 जुलाई 2022 को, लास्ट डेट है 7 अगस्त 2022 को फ्रेंड्स, ठीक है, और 10/8/2022 को ये लास्ट डेट है, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए फ्रेंड 2000, एससी एसटी के लिए 1000 रुपये, मिनिमम एज नॉट एप्लीकेबल, मैक्सिमम एज 62 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड, यदि आपकी एज 62 ईयर्स है। असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें 970 टोटल पोस्ट है फ्रेंड्स। मास्टर डिग्री इन रिलीज सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स डॉट नेट एंड सेट स्लेट पास्ट। मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। आइए उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। UPSEC असिस्टेंट 2022, पोस्ट नेम हिंदी सोशियोलॉजी पे, मतलब सब्जेक्ट वाइज पोस्ट डिसाइड किए गए हैं, किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट आया है। हिंदी में 80, इंग्लिश में 62 है, सोशियोलॉजी में 42, जियोग्राफी में 47, पॉलिटिकल साइंस में 44 पोस्ट है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में 60 पोस्ट आई हैं। और देख लेते हैं बीएड वगैरह में, कॉमर्स वगैरह में आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगता है कि हम इस सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं, तो आपका जो भी सिलेबस रहा हो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ओपीजी में वो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। आइए चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और नई चीज़ जानने के लिए, क्या इसमें और क्या बेनिफिट है, उसके लिए हमको नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात किया फ्रेंड्स, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ए और बी, अ मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स आर एन इक्विवेलेंट ग्रेडिंग पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। कुल मिला के आपको 55% पाना अनिवार्य है, चाहे आपको डिग्री से अवार्ड किया गया, चाहे आपको PhD से अवार्ड किया गया, वॉट एवर। Provide the candidates registered for the PhD program prior to July 11, 2009, ठीक है। The PhD degree of the candidate has been awarded in regular mode, ठीक है। The fulfillment of this condition is to be certified by the register or the DREAM academic affairs of the university. The PhD degree has been obtained from the फॉरेन यूनिवर्सिटी विथ रैंकिंग अमॉन्ग टॉप 500 द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग QS द टाइम्स हायर एजुकेशन द एकेडमिक, उनके लिए भी एक अलग रूल दिया गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी एयर वी के लिए मास्ट 55% पर मार्क्स के थे, वो इसमें बात किया है। नेशनल लेवल की बात किया है, स्लेट की बात किया, सेट की बात किया, ओनली फॉर द स्टेट ऑफ UP। वो और कुछ इसमें जानकारियाँ दी गई तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बात की, ऑनलाइन आवेदन जो दिया गया है फ्रेंड्स, अब जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि फ्रेंड 10 अगस्त, 2 दिन एक्सटेंड किया गया, तो उसको भी और देख सकते हैं कि सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क कितना होगा, और जो भी मतलब अपने कैटेगरी वाइज का डिसाइड किया गया है कि इस कैटेगरी कितना है। आवेदन शुल्क के अतिरिक्त देय धनराशि, जो चार सर्विस की बात किया वो फ्रेंड्स दिया गया है, ठीक है, वो कितना कटेगा अगर आप किस बैंक से करते हो तो उसको डिपेंड करता है। और भी अगर कुछ नई चीज़ें देख लेते हैं इसमें, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु निम्न अर्हताएँ, तो ये सब चीज़ें तो अभी हम लोग देख ही रहे थे। रिलैक्सेशन की बात किया है, 5% शैल बी अलाउड द मास्टर लेवल ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट। 5% तक छूट दी जाएगी यदि कैंडिडेट बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट से।
हिंदी भाषा विज्ञान, उर्दू की बात की, अंग्रेजी की बात किया है, संस्कृत की बात किया है, ठीक है, और ड्राइंग, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल की सब चीज़ें की बात किया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बीएड लेवल की बात किया है, एम एजुकेशन की बात किया, तो उसमें जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं सब अपना देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किससे रिलेटेड आपने डिग्री की है वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, ठीक है, ये तो आप देख लोगे क्या क्या कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, कितने KB का फ़ोटो आपको अपलोड करना है इसमें, और सिग्नेचर के लिए कितने KB की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, वो भी इसमें आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश उच्चतर की बात किया, ठीक है, और इसके बाद कुछ नई चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रदेश के 80 के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के अधिचित पदों पर लागू 36 आरक्षण का विवरण फ्रेंड्स, ठीक है। तो अंग्रेजी के लिए कितने पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है, कौन से विद्यालय में ये पोस्ट खाली है फ्रेंड्स, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी है आपका है उसको देख सकते हो। ये महाविद्यालय का नाम है और वहाँ पे किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आई है, और उस कैटेगरी के लिए जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब कॉलेज के नाम है, पंडित सुंदरलाल मेमोरियल, कन्नौज, फरुखाबाद, कानपुर। कानपुर में कौन सा कॉलेज है फ्रेंड्स, जोहारी देवी गर्ल्स PG कॉलेज, RPG कॉलेज कानपुर के वैशाली, नरेंद्र पंडित जल नेहरू, झांसी, देहरादून, जालौन, जालौन, चित्रकूट, बांदा, हाथरस। फ्रेंड्स इसमें टोटल यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रेंड्स उसका इसमें लिस्ट दिया गया है, किस यूनिवर्सिटी में किसके लिए कितनी वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, ठीक है, वो चीज़ इसमें डिस्कस किया गया है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एरिया वाइज होगा उसको देख सकते हैं कि आपके कॉलेज में कौन सा एरिया आता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें आप देख समझ के अप्लाई कर सकते हैं, रेफरेंस होगा तो रेफरेंस दे सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में। ये पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, अगर आपको डाउट होगा तो आप जाके उसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ रही है, लखनऊ से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्टेट वाइज जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं या जो भी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है पोस्ट है उसमें ये चीज़ें अवेलेबिलिटी दी गई है, टोटल 50 इसमें सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि उत्तर, ये आपको जो भी जनजाति जाति प्रमाण पत्र की बात की गई, ठीक है, तो उसमें आपको पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण कैसा होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी बात की है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी कैसा आपको बनवाना चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसको भी आप इजीली देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स फिर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। जल्द ही मिलेंगे आपको अच्छे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो को आपको लिंक
में कोई प्रॉब्लम आता है तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करें, हम लिंक आपको शेयर कर देंगे ताकि आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग तो सर्च कर लेते हैं इजीली तरीके से, बस मेरा काम होता है फ्रेंड्स कि इन्फॉर्मेशन देना किसी भी चीज़ को सही तरीके से आप इजीली अप्लाई कर सकें फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।